मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब चुनावी मोड में आई है। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं में गुटबाजी की ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बुधवार को भी उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं में गाली गलौज के साथ हाथापाई भी हो गई। बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा करने वाली कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के आपसी झगड़े का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें कांग्रेस को ब्लॉक और मंडल स्तर पर मजबूत करने के लिए बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पार्टी नेता झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये सब कुछ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और पर्यवेक्षक मुकेश कौला की मौजूदगी में हुआ। बता दें, बैठक में उमेश सेंगर सुझाव देने के लिए उठे तो शहर जिला अध्यक्ष महेश सोनी ने बैठने का इशारा कर दिया, लेकिन वो सुझाव देने पर अड़ गए और उसके बाद क्या तस्वीर नजर आई वो आपके सामने। अजय पटवा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं उज्जैन से। अजय, अब ये कहा जाए कि जो चुनावी मोड है वो शुरू हो चुका है, राजनीतिक दल अब इसे काउंटडाउन के रूप में देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंतर्कलह वो तो सबके सामने आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और नूरी खान की जो रस्साकशी वो भी अब यहाँ पर सामने आ गई। जी देखिए नीना, जिस तरीके से जो कांग्रेस की अंदर की जो बातें हैं वो अब धीरे धीरे जो बाहर आ रही है, निकल के साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके की जो कांग्रेस में जो कूटनीति है वो सामने आ रही है। नूरी खान जो 28 तारीख को ज्योतिराय सिंधिया जब उज्जैन आए थे, उन्होंने जब उन पत्रकारों से पत्रकार वार्ता कर रहे थे, उसी दौरान नूरी खान जो है उज्जैन प्रभारी के कहने पर वहां बैठ गई थी। पर उनका ये कहना है कि ज्योतिराय सिंधिया ने मेरे को जिस तरीके से हटाया, एक नारी का अपमान है और उनको इस चीज को ध्यान में रखना था। इसी बात को लेकर उनका ये भी कहना है कि लगातार जो है बीजेपी की तरफ से इस बात को लेकर जो है लगातार सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा था। इसी बात को लेकर आज जो है मेरी पीड़ा मैंने जो है आला अधिकारियों को लिख के भेजी है और उनसे शिकायत करी है कि जिस तरीके से जो ज्योतिराय सिंधिया द्वारा जो मेरे साथ किया गया है, एक नारी का अपमान किया गया है, इसको लेकर ये ज्योतिराय सिंधिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी बात को लेकर जो है ज्योतिराय सिंधिया के खिलाफ जो है नूरी खान ने राहुल गांधी, कमलनाथ और संजय बावरिया को जो है लेटर लिखा है। बिल्कुल अच्छा, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो वाकई में देखने वाली बात यह है, क्योंकि ऐसे समय में जब कांग्रेस अपने आप को मजबूत स्थिति में लाने की बातें कर रही है, दावे कर रही है, लेकिन उज्जैन की जो तस्वीरें हैं, चाहे बात नूरी खान के किस्से की हो या फिर जो अभी तस्वीर आपके सामने इसकी, ये कुछ और ही तस्वीर बयां करती है।